लाख रोगों की एक दवा है यह चीज, कहीं भी दिखे तो तुरंत घर ले आना। जानने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल ब्यूटी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। आज हम आपको एक ऐसे औषधीय गुणों से भरपूर पादप के बारे में बताने जा रहे हैं जो मानव के लिए बहुत उपयोगी है। कई असाध्य रोगों का उपचार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह बहेड़ा है। आइए जानते हैं बहेड़ा के औषधीय फायदों के बारे में। एक, पीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें हमारा लीवर बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है, लेकिन बहेड़ा के सेवन से इसे ठीक किया जा सकता है। बहेड़ा के चूर्ण के साथ एक चम्मच शहद का सेवन आपको पीलिया से मुक्त कर देता है। ऐसा रोजाना करने से बहुत जल्दी पीलिया से आराम मिलता है। गलत खान पान की वजह से कम उम्र में ही आंखों की रोशनी से परेशान लोगों के लिए यह रामबाण है। रोजाना बहेड़ा के छिलके और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाएं और एक गिलास गुनगुने पानी के साथ इसे लें, जिससे आंखों की रोशनी बहुत जल्दी सही होने लगती है। तीन, बहेड़े का अधपका फल चूर्ण कर लें और सोते समय रोजाना एक दो चम्मच आवश्यकता अनुसार पानी से सेवन करें, सुबह पेट साफ हो जाएगा। बहेड़े के फल का चूर्ण बनाकर दो चम्मच की मात्रा में एक कप पानी में रात्रि को भिगोकर रख दें और सुबह इसे बालों की जड़ों पर लगाएं। एक घंटे बाद नहाते समय धो लें। इस प्रयोग से बालों का असमय गिरना रुकेगा। बीजों की गिरी के 25 मिलीलीटर तेल में 75 मिलीलीटर नारियल का तेल मिलाकर रोजाना सुबह शाम बालों में लगाने से असमय बालों का पकना, सफ़ेद होना, झड़ना रूसी में फ़ायदा होगा। बहेड़ा एवं जवाशा के 40 से 50 ग्राम काढ़े में एक चम्मच घी डालकर सुबह दोपहर शाम पीने से कफ तथा पित्त से होने वाले बुखार हट जाता है और कमजोरी के कारण चक्कर आना व आँखों के सामने अंधेरा आने की समस्या समाप्त हो जाती है।